सो गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। वापस आ चुके फिर से फ्रेश वीडियो के साथ वापस। तो आज की ये वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो पेंस को, जो कि बहुत तगड़े तगड़े पेंस हैं। फर्स्टली हमारे सब पास है लग्जर का फाइन राइट 05, और दूसरे साइड है हमारे पास सबसे फेमस पेंटोनिक का बॉल पेन, जो कि यहाँ पे आपको कलरफुल एडिशन में है दोनों ही पेंस। और दोनों ही पेंस में आपको टोटल 10 10 पीसेस पेन देखने को मिलते हैं, और सारे ही कलरफुल पेंस मिलते हैं। दूसरी साइड अगर बात करें तो ये आपको बॉल पेन देखने को मिलता है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको बोल सकते हो लिक्विड इंक है, लेकिन यहाँ पे जेल पेन आप बोल सकते हो इसको। को लग्जर के साइड से आते हैं, जिनका पायलट का पेन भी आता है, आप लोग को पता ही होगा, बहुत फेमस है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा कुछ फीचर वगैरह ऐड किया, जैसे कि स्टडी मेटल अडेप्टर, मतलब ये हिले विलेगा नहीं जब जब आप यूज करोगे तो, कहने का मतलब ये काफी स्टडी रहता है। तो ये सब इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर हम पेंटोनिक की बात करें तो राइटिंग के लिए ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा फेमस है पेंटोनिक की पेन, लेकिन बीच में कुछ इसके साथ सीन हुआ था कि ये चल नहीं पाता था, रुक जाता था इसका इंक वगैरह। लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया था तो इसमें आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली थी। अनबॉक्सिंग वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो इसकी। तो इसी के लिए हमने सोचा कि चलिए इसके अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ कंपेयर वीडियो बनाया जाए कि लग्जर का पेन अच्छा है या फिर पेंटोनिक का अच्छा है, क्योंकि दोनों ही सिमिलर रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें दोनों के प्राइसिंग की तो दोनों की प्राइसिंग बिल्कुल सिमिलर है। दोनों ही आपको 120 रुपीज़ की पैकेट है। यहाँ पे प्राइसिंग मैं आपको दिखा दूँ दोनों ही पेन्स की। तो फर्स्टली अगर हम बात कर ले लग्जर की तो यहाँ पे 120 रुपीज़ यहाँ पे देख सकते हो 10 यूनिट्स की। वहीं पे अगर हम बात कर ले हमारे पेंटोनिक की तो यहाँ पे आप 120 रुपीज़ इसकी भी प्राइसिंग देख सकते हो। तो बिल्कुल सिमिलर प्राइसिंग है, प्राइसिंग में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बारी बारी करके सारी दोनों ही पेंस को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है दोनों पेंस का एक्सपीरियंस। तो चलिए सबसे पहले दोनों ही पेंस को अनबॉक्स करते हैं। तो दोनों ही पेंस यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। इस साइड हमारे पास लग्जर, इस साइड है हमारे पास पेंटोनिक, और दोनों ही पेंस आप देख सकते हो बहुत ज्यादा साइन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के डिजाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको लग्जर की पेन मिलती है इसमें आपको पूरा ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा ये साइन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ ग्लॉसी देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर बात कर ले बॉडी टेक्सचर की, तो यहाँ पे बॉडी टेक्सचर पूरा आपको ग्लॉसी फिनिश, मतलब बोल सकते हो एक चमकीला सा डिजाइन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इस पे लग्जर फाइन राइट जो है वो आपको गोल्डन प्लेटेड, मतलब बोल सकते हो गोल्डन प्रिंटेड है। और वहीं पे पेन्स काफी ज्यादा साइन कर रहे हैं यहाँ पे लग्जर वाले। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी साइड बात करें तो पेंटोनिक जो है हमारा, पेंटोनिक आपको मैट फिनिश में देखने को मिलता है। तो मैट फिनिश की एक खासियत होती है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसके कारण से ये आपको चमकीला नहीं लग रहा होगा। बट ये आपको पूरा ग्रे फिनिश में आपको देखने को मिलता है। पहले पेंटोनिक जो आते थे वो आपको ब्लैक फिनिश में आते थे, बट ये सारे ही पेन्स आपको ब्लैक नहीं ग्रे फिनिश में देखने को मिलेंगे। तो ये नोटिस करने वाली बात है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको मैट फिनिश पसंद है या फिर ग्लॉसी। बेसिकली ग्लॉसी पे जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो ज्यादा विजिबल होते हैं, डस्ट वगैरह ज्यादा विजिबल होते हैं, और ऐसा मैट के साथ नहीं होता। मैट फिनिश में ये सब आपको नहीं देखने को मिलता। तो ये दोनों ही आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली कोई भी पेन जो है वो राइटिंग से अच्छा होता है, डिजाइन वाइज तो जो है वो है ही। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों ने ही ये सेम दिमाग लगाया हुआ है। ऊपर टिप पे कलर दिया हुआ है जिस कलर की ये पेन है, बैक साइड में भी नीचे आपको कलर देखने को मिलता है जिस टाइप की ये, जिस कलर की ये पेन है बैक में और टॉप में, दोनों में ही ये डिजाइन दिया हुआ है। फर्स्टली यहाँ पे लग्जर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रांडिंग करता है, ये हम पेंटोनिक की तरफ देखे तो पेंटोनिक यहाँ पे ब्रांडिंग करता है इस साइड में। उसके बाद नीचे अगर इसकी टॉप खोले तो यहाँ पे भी ब्रांडिंग करता है ये लिंक लिख के, यहाँ पे उन्होंने लिंक लिख डाला है नीचे पेंटोनिक। फिर इस साइड अगर आप देखें नोटिस करें तो यहाँ पे भी लिंक लिखा हुआ है। और लग्जर की बात करें तो यहाँ पे टिप के ऊपर, मतलब कवर के ऊपर आपको साइड में लग्जर देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा। फिर ओपन करते हैं तो अंदर में आपको लग्जर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें दोनों की निब की, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि दोनों की ही निब अलग अलग टाइप की है, और यहाँ पे मटेरियल तो दोनों की ही बहुत तगड़ी यूज की गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने यूज किया था दोनों ही पेन्स को, दोनों ही पेन्स बहुत तगड़े हैं। तो जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि स्टर्डी डिजाइन दिया गया है जिससे कि ये पेन काफी मजबूत बन जाता है, और यहाँ पे मेटल की यूज की गई है निब की जो बात करें अगर लग्जर की तो। और पेंटोनिक में भी मेटल ही है, लेकिन ये जो है वो आपको बॉल पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर बात करें इसके राइटिंग एक्सपीरियंस की, तो चलिए सबसे पहले राइटिंग टेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पेन सबसे तगड़ा है, क्योंकि डिजाइन तो है ही सबकी तगड़ी। सबसे पहले आप राइटिंग टेस्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्टली हम यूज करेंगे यहाँ पे लग्जर का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लग्जर, और यहाँ पे लिख देते हैं फाइन राइट, फाइन राइटर नाम है इसका, फाइन राइटर। तो राइटिंग ये जो है, इसकी राइटिंग आपको थोड़ी सी स्मज होगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था ये स्केच वाली फील देता है, तो इसकी राइटिंग स्मज होती है हल्की फुल्की। और वहीं पर अगर हम पेंटोनिक की बात करें तो पेंटोनिक की मैं आपको ब्लू कलर दिखाता हूँ, कहाँ गया इसका ब्लू, ये रहा। तो ये पेंटोनिक की ब्लू है, और जब आप इससे लिखते हो तो फर्स्ट टाइम ही मुझे ये बहुत तगड़ी लगी थी। लाइक ये बहुत ज़्यादा फ्री मिलता है आपको पेंटोनिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्लू डार्क, और ये डार्क आपको काफ़ी मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये काफ़ी डार्क कलर आपको प्रोवाइड कराता है, प्लस ये स्मज नहीं होगा ये पेंटोनिक वाला। और जैसा कि पेंटोनिक ने अपना नाम खराब किया हुआ था, तो काफ़ी वो नाम सुधार रहे अपना, क्योंकि पहले तो बहुत बिकती थी,
बेसिकली, लेकिन अब थोड़ी सी इनकी इमेज इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि पेन स्मज होती थी, फिर बीच में रुकने लगी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहा था पेंटोनिक, बट आपको ऐसा कुछ अब देखने को नहीं मिलता है। तो राइटिंग अगर मैच कराया जाए तो स्केच वाली फील ये प्रोवाइड कराता है आपको, लेकिन ये आपको फुल्ली बॉल पेन वाली प्रोवाइड कराता है। वहीं पर अगर किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो या फिर आप कर्सिव वगैरह लिखते हो, तो मैं बोलूँगा कि कर्सिव वगैरह के लिए आपको पेंटोनिक सबसे बेस्ट होगा। जैसे कि आप कर्सिव लिखते हो तो एक साइड ही आप लिख के स्टार्ट करते हो एक पॉइंट पर और दूसरी पॉइंट पर इंक करते हो, तो ये बीच में कभी भी आपको इंक ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगी अगर आप पेंटोनिक की बात करो तो। अगर वहीं से हम अगर कर्सिव इस पेन से लिखना चाहेंगे तो होगी तो इससे भी, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पता नहीं आपको ये फील नहीं देगा ऐसा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने डॉट दिया तो ये पॉइंट सीधा सीधा था, बट यहाँ पे डॉट देते ही ये घसक गया यहाँ से ऐसे, तो ये पूरा स्मज टाइप वाली फील देगा और ये बेकार हो जाएगी फिर आपको कॉपी पे। अगर बैक की साइड बात करें तो ये प्रिंट होता है पीछे की साइड, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन वहीं पे आपको पेंटोनिक ये चीज़ नहीं देगा। तो ये सब आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं पेंटोनिक वाले में, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें पेंटोनिक की पूरे पेंस की राइटिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पेंस से मैंने यहाँ पे पेंटोनिक से लिखा हुआ है, काफी डार्क राइटिंग प्रोवाइड करा रहा है और कोई भी स्मज होने की नाम नहीं लेगा, मतलब स्मज फ्री राइटिंग आपको प्रोवाइड करेगा ये पेंटोनिक। तो राइटिंग एक्सपीरियंस आप देख सकते हो कितनी तगड़ी है। वहीं पर अगर हम बैक साइड की बात करें तो मैंने यहाँ पे लग्जर को भी टेस्ट किया हुआ था, तो सबसे पहले लग्जर की तरफ जाते हैं। तो ये देखो ये है लग्जर की पेन, और ये लग्जर जो है वो भी आपको काफी डार्क राइटिंग प्रोवाइड कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि जैसा कि ये स्केच वाली फील देगा, जेल पेन वाली फील देता है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पॉइंट पे ज्यादा पॉइंट ये इंक ड्रॉप कर रहा है, कहीं पे कम कर रहा है। तो इसके लिए आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आप लोगों को नोट्स बनाने, आप लोग कर्सिव लिखते हो, मतलब कहने का मतलब ये कि आप लोग अगर कर्सिव वगैरह लिखते हो तो आप लोग आराम से पेंटोनिक परचेस करो, क्योंकि पेंटोनिक की जो राइटिंग है वो आपको A1 मिलेगी। और मैं बोलता हूँ कि इस टाइम आप पेंटोनिक पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब जो पेंटोनिक वापस आई है, अगर मैं बोलूँ कलरफुल्स वाले में, तो वो आपको काफ़ी अच्छी राइटिंग प्रोवाइड करती है। मैंने ब्लू वाला तो टेस्ट नहीं किया है, जब मैं उसको टेस्ट करूँगा तो उसके बारे में जरूर मैं आपको बताऊँगा कि उसकी राइटिंग कैसी है, क्योंकि ब्लू को भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी जो न्यू वाला पेंटोनिक है 2023 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने प्राइसिंग को इंक्रीज़ किया है 12 रुपीज़ किया है, वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिफरेंट कलर्स की पेन है। तो अगर वो 2 रुपीज़ इंक्रीज़ करने के बाद भी एक अच्छा पेन प्रोवाइड करा रहे हैं, राइटिंग एक्सपीरियंस हमारी अच्छी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 रुपये आप इंक्रीज़ कर सकते हो। बेसिकली बहुत लोगों को ग्रिपिंग हो जाता है, जो लोग को पेंटोनिक से लिखने की आदत हो गई थी, उनको पेंटोनिक ही पसंद था, तो ये चीज़ है कि ट्रस्ट खत्म हो जाता है पेन्स के ऊपर से, तो वो वापस फिर से अपने पेन्स को वापस ला रही है। तो अगर मैं बात करूँ कि दोनों ही पेन्स में से आपको कौन से पेन परचेज करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग पेंटोनिक पे जा सकते हो, पेंटोनिक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर आप लोगों को लग्जर पसंद है तो लग्जर भी परचेज कर सकते हो, दोनों ही पेन्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हो लिस्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, क्योंकि और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो झट झट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ वापस, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।